अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने खैरेश्वर धाम चौराहे पर चेकिंग के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, लूट की नकदी और बाइक बरामद की है। दरअसल खैरेश्वर धाम चौराहे के पास देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 3 लुटेरे एक बाइक से जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष लोधा ने मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी करते हुए 3 लुटेरों को मौके से पकड़ लिया। पुलिस ने जब लुटेरों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि खैर और लोधा थाना क्षेत्र में 8 दिन में 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपराधियों का इतिहास जाना तो पता लगा कि यह आधा दर्जन से अधिक लूट की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक झा ने बताया कि कुलदीप चौधरी के भट्टे के पास से सड़क के किनारे से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद की है। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों के जेल जाने से लूट की छोटी मोटी घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। 3 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें से 2 थाना लोधा क्षेत्र और 1 थाना खैर में हुई थी। दिनांक 17 को थाना लोधा में बिजली घर पर एक लूट हुई थी, उसमें एक व्यक्ति से बिल जमा करने आया था, 20,000 रुपये छीन लिए गए थे। और दिनांक 22 को थाना खैर में हुई थी, जिसमें कि करीब 73,000-74,000 रुपये छीन लिए गए थे। और इसके अलावा दिनांक 23/1/2020 को हरेश्वर हाईवे पर एक लूट की घटना हुई थी, तो उससे संबंधित जो है गैंग वर्कआउट किया गया है। और इसमें 3 लड़के, दिनेश, हरिओम और हिमांशु, जिसमें कि दिनेश थाना लोधा का रहने वाला है, हरिओम थाना खैर का और हिमांशु थाना एलिगेट का निवासी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इनसे करीब 12,000 रुपये कैश, 1 तमंचा और उसके अलावा 1 मोबाइल फ़ोन व कुछ अन्य आइटम बरामद किए गए हैं, जिसकी डिटेल आपको